सभी भाइयों को पंडित डेयरी फार्म की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये भाई आए थे हमारे पास, तो इन्हीं से ही पूछते हैं। तो भैया कहाँ से आए थे आप? एलूर से। एलूर कहाँ पड़ता है ये? कहाँ? स्टेट आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश एलूर से आए थे। तो भैया आपने कितनी बफेलोस परचेज की हमारे फार्म से? 10 बफेलोस ने। 10 बफेलो, 10 पाँच इन्होंने हमारे फार्म से किए हैं, 5 हमने बाहर फार्म से दिलवाए हैं। तो कैसी रही आपको सारी बफेलोस? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। तो आपने कितने टाइम मिल्किंग देखी उसकी? दो टाइम देखी, अब तीसरे टाइम दोबारा देख रहे हैं मिल्किंग। हमारे फार्म पे आ गई हैं सारी बफेलोस, ये कल लोड हो जाएंगी। आज थोड़ा ट्रांसपोर्ट का इशू हो गया, तो साथ में सब जाएगा। तो कैसा रही भाई आपको हमारे यहाँ, कैसी लगा सब? रिव्यू कैसा देंगे? रिव्यू का 10/10। 10/10। और आप भैया? अच्छा, ये बहुत अच्छे आदमी है। एयरपोर्ट को डाउन हो गया, एयरपोर्ट नीचे कि दिग्ने का चला 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 बूसर अरे हॉटल तस्कानी चुट चूपे मत अंत सूपर पर्फॉमेंस सूपर रूम का फुड का मन एयरपोर्ट का इकड वरक दिग्ने का मत वाला अंडर उकोनी मन के नचिन बफेलो प्रति नचिन बफेलो चूसी वो अंटे दाने गलोक एंत रिस्क पड़ चाल चला दूर तिगे को मन की अंट 100% న్యాయం చేశారు। ఇంకా మనం ఇతని దగ్గర ఇంకొక 50 బఫెలోస్ కొందాం అనుకుంటున్నాం, అవి కూడా కొంటాం ఫ్యూచర్లో, కాదు నెలలో, ఒక నెల అటీటీలో ఇంకొక 50 బఫెలోస్ కొందాం అనుకుంటున్నాం। మేము ఫస్ట్ ఇక్కడ రాకముందు యూట్యూబ్లో చాలా చూసాం, చాలా చూసి ఓకే వెళ్దాము మోసాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అయ్యి అనుకున్నాం। కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ పండిట్ డైరీ ఫామ్కి ఒకసారి వచ్చి చూస్తే మీరు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సే కానీ వాళ్ళు చేసే విధానమే కానీ వాళ్ళు మనకు చూపించే బఫెలోస్ కానీ మామూలుగా అయితే మన ఆంధ్రాలో అయితే రైతు వారిగా మాట్లాడుకుని చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు ఇదే రకంగా ఇక్కడ కూడా అలాగే జరుగుతుంది। మనం అనుకున్న రేటు ప్రకారం వాళ్ళు మనకి పర్చేసింగ్ చేసి పెడతారు, కాకపోతే ఏంటంటే మనం వీళ్ళని నమ్మాలి ఫస్ట్ వీళ్ళ మీద భరోసా ఇచ్చి మనం వీళ్ళకి భయ్యా మనకి ఇది ఈ రేట్లో నాకు 100,000 నుంచి ఇల్లు కావాలి లేదా 100,000 పైన కావాలి లేదా 50,000లో కావాలి అని చెప్పామంటే వాళ్ళు దానికి సరిపడా రేట్లో చూపించి మనకి చేసి పెడతారు బఫెలోస్। आप भैया कुछ बोलना चाहेंगे अपनी लैंग्वेज? नीम लैंग्वेज ना करते हैं। इन्हीं विषयों चुपा ना ये नहीं बताऊँ। मैं मु एलुर नून चुच्चा वांडे, एलुर नून्ची मैं मु हरियाणा कुच्चा हूँ। हरियाणा लोग कुछ निकालने नून्ची इल्लु तंबिया ना वा ये ब्रदर संदर्भ कोड़ा यंतो చక్కగా మమ్మల్ని చూసుకున్నారు, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ అన్ని మేము మాకు అనుకూలంగా ఇల్లు బఫెలోస్ అన్నిసి కూడా చూపించటం, మాకు అనుకూలమైన రేట్లలో వాళ్ళు మాట్లాడి పెట్టడం వాళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా చూసుకున్నారు। మీరు ఎవరైనా ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి బఫెలోస్ని చూసి ఫామ్స్ని చూసి మీకు కావాలంటే కనుక కొనుక్కోవచ్చు, మనకు తగిన రేట్లలోనే వాళ్ళు అనుకూలంగా చేసి పెడతారు। హరియాణాలో ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ 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 పండిట్ డైరీ ఫామ్ బెస్ట్ బెస్ట్ ఆద్మీ చాలా మంచి వ్యక్తి। अभी एक बार आपको भैया की बफेलोज भी दिखा देते हैं जो भैया ने परचेज किए हैं, 10 की 10 बफेलोज। ये 10 बफेलोज हैं जो भैया ने परचेज किए हैं। तो सभी के टोकन वगैरह लगा दिए हैं, साथ में बच्चों के भी निशानी लगा दिए ताकि कोई बच्चा मिसप्लेस ना हो जाए। सभी के सभी बच्चों के निशानी लगी हुई है और टोकन भी। सभी अच्छी प्योर मुर्रा बफेलोज लिए हैं भाइयों ने। ये जो भैंस है थर्ड लैक्टेशन की है, इन्होंने 3 टाइम मिल्क चेक किया है, 14 लीटर मिल्क है इसके अंदर, और इन्होंने जो इसको प्राइस दिया 78,000 रुपीज़ दिया। 78,000, ये देखो आप फ्रेश डिलीवरी है, ये देखो फ्रेश डिलीवरी है, फ्रेश का भी है ठीक है। ये जो भैंस है इसको इन्होंने प्राइस दिया 92,000, इसके नीचे भी 14-15 लीटर मिल्क रख दिया, ये भी फ्रेश का भी है, सब फ्रेश का भी है। सभी के टोकन वगैरह और निशानी लगा दिए ताकि बच्चा ना मिसप्लेस हो। सिलेक्टेशन की है, इसके नीचे भी 12-13 लीटर दूध की आ रहा है, ये 5-6 दिन का बच्चा है, इसमें कभी गंदगी नहीं है पीछे से, ये देखो छोटी अभी गंदगी नहीं है ठीक है। घर से छटेगी तो ये दूध आराम से 15 लीटर खुला निकाल देगी उनके वहाँ जाके ठीक है। ये जो छोटी है इसके नीचे भी 14 लीटर मिल्क रेडी है, वैसे ही तो नापने का 16 है, वैसे ही तो मैंने 14 लीटर दूध बताया, ये भी सेकेंड लैक्टेशन की है, फ्रेश का भी है इसके ठीक है। ये जो भैंस है इसमें 3 दिन पहले बच्चा दिया, इसके नीचे भी 14-15 लीटर मिल्क रेडी है, बिल्कुल ठंडा है। हाइट वगैरह देखो इसकी, हाइट देखो, हाइट लेंथ इसकी जो कीमत है 1,10,000 रुपये की परचेज करी है, 1,10,000 ठीक है। ये देखिए छोटी, इन्होंने हमारे शेड से लिया, इस जो छोटी का प्राइस है 1,20,000 है।
ऑर्डर देख सकते हैं आप भैंस का कितना अच्छा वाला है, 20,000 का दिया ये जो भी। ओके ये देखिए, ये थोड़ा थर्ड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, बोलने को थर्ड लैक्टेशन कह लो, वैसे है सेकंड लैक्टेशन। इसके नीचे भी 14 लीटर मिल्क रेडी है, इन्होंने मिल्किंग चेक किया इसका भी। ये भैंस सेकंड लैक्टेशन किया, इसके नीचे 15 लीटर मिल्क रेडी है इस टाइम। इन्होंने जो इसका प्राइस दिया 1,05,000 का प्राइस दिया, 1,05,000। ये देखिए छोटी, इसके नीचे अभी 12 लीटर दूध है भाई, इसको चौथा पांचवा दिन हो गया, पांचवा छठा दिन लग जाएगा, इसके नीचे भी 12-13 लीटर दूध तैयार है। इन्होंने जो इसका प्राइस दिया 1,00,000 रुपये दिया प्राइस रोटी का। ये देखिए नेक्स्ट, इसने अभी परसों ही बच्चा दिया था, अभी इसके नीचे खीस ही होगा 10 लीटर के आसपास, जो आपके उधर लैंग्वेज में बोलते हैं ना जुनू पाल, वो 10 लीटर है इसके नीचे। इन्होंने इसका प्राइस भी 95,000 रुपीज़ पर पे किया मुझे। ये सारी भैंसियाँ 10 इन्होंने सब मिल्किंग चेक करके, डिलीवरी सबके निकल चेक करके फाइनलाइज किया। देख सकते हैं आप सभी का ऑर्डर वगैरह, सेम क्वालिटी। अच्छा अच्छा, सब सेकंड इलेक्ट्रेशन और थर्ड इलेक्ट्रेशन में, फर्स्ट इलेक्ट्रेशन का सिर्फ एक ही ड्यूटी है, उसके नीचे भी दूध तैयार है 13 लीटर के आसपास। तो भैया आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले व्यूअर्स को? जो ये वीडियो देखने वालों को, उनको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे फार्म के बारे में? व्हाट यू वांट टू से अबाउट अवर डेयरी फार्म, पंडित डेयरी फार्म, पंडित भेरा ऑनलाइन में, व्हाट यू वांट टू से अबाउट पंडित डेयरी फार्म? अच्छा अच्छा है, अच्छा बहुत बहुत अच्छा है।